एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मनी बिल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं धन विधेयक। तो आइए जानते हैं, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और मनी बिल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि बिल, जिसे हिंदी में बोलते हैं विधेयक, वो क्या है और कैसे क्या होता है। तो विधेयक एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसको हमें कानूनी रूप देना होता है, ठीक है। विधेयक एक ऐसा प्रस्ताव है कानूनी रूप देना होता है, और कानूनी रूप वो तभी ले पाएगा जब वो संसद से पारित होता है। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स, वो सभी विधेयक प्रस्ताव जो कि संसद से पारित हो जाते हैं और कानून का रूप ले लेते हैं, वो हमारे नियम कहलाते हैं और वही कहे जाते हैं कि वो विधेयक हमारा पास हो गया। अब आते हैं कि हमारे बिल की अगर बात करें तो बिल चार प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक पार्ट वन, और दूसरा होता है वित्त विधेयक पार्ट टू। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो मनी बिल के बारे में बात करने जा रहे हैं, धन विधेयक के बारे में बात करेंगे, और अपने हर एक सेशन में हम लोग बिल्स के बारे में बात करते रहेंगे कंटिन्यू एक एक करके, लेकिन आज का हमारा जो फोकस होगा वो मनी बिल पर होगा, ठीक है। तो आइए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो मनी बिल, जिसे हिंदी में बोलते हैं धन विधेयक, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन UPPCS 2019 का क्वेश्चन था कि धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल नंबर 110 में दी गई है। ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा गया था 2019 PCS प्री में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 110, अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, वो सभी विधेयक जो कि आर्टिकल नंबर 110 के अंतर्गत दिए गए ABCDEFGH सभी प्रावधानों के से रिलेट करते हैं, वो सभी विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। मतलब वो सभी विधेयक जिनका संबंध आर्टिकल नंबर 110 में दिए हुए प्रावधानों से होता है, वो सभी विधेयक हमारे धन विधेयक कहलाते हैं। ये 1, 2, ABC ये सभी अब आप पढ़ लीजिएगा, तो वो सभी प्रावधान, वो सभी विधेयक जो इन सब पॉइंट से रिलेट करेंगे, वो सभी विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं, ठीक। दूसरी चीज, धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में ही पारित किया जाता है, नहीं लोकसभा में ही वो प्रस्ताव पारित होगा, लोकसभा में ही उसको रखा जाएगा, राज्यसभा में वो बिल नहीं रखा जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जब लोकसभा में पारित हो जाता है धन विधेयक, तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। अच्छा, अब ये आप कहेंगे कि राज्यसभा को अगर लगा कि इसमें कुछ संशोधन करना होगा, तो हाँ, राज्यसभा संशोधन के लिए रिकमेंडेशन कर सकती है, सिफारिश कर सकती है कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, लेकिन लोकसभा इसमें ये बात नहीं है कि वो राज्यसभा की चीज़ों को, राज्यसभा के संशोधन को मानेगी ही या नहीं मानेगी, ठीक। और दूसरी चीज़, राज्यसभा को जो टाइम दिया जाता है वो 14 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर 14 दिन के अंतर्गत ये बिल पास नहीं होता है राज्यसभा से, तो इसे लोकसभा द्वारा पारित माना जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अभी हम लोग जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की कई वीटो पावर्स होती हैं। जब लोकसभा में पारित हुआ विधेयक, धन विधेयक, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उनको स्वीकृति दे दें कि हाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं, कि हम स्वीकृति दे देते हैं, और या तो दूसरा है वो इन्हें थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये उन्हें वापस नहीं भेज सकते कि आप इसमें संशोधन करिए या तो संशोधन ना करिए, ठीक है। तो दो ऑप्शन होते हैं राष्ट्रपति के पास, या तो वो स्वीकार कर ले, या उन्हें विचार के लिए उन्हें अपने पास रोक भी सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि यदि लोकसभा में जब ये बिल रखा जाता है, धन विधेयक रखा जाता है, और अगर ये स्वीकृत नहीं होता है, तो जो मंत्रिपरिषद होती है, जो सरकार होती है, उसको इस्तीफा देना पड़ता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ जो आपको फैक्ट ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो विधेयक होता है, ये बताना कि ये धन विधेयक है कि ये कोई साधारण विधेयक है, ये काम जो है लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है। और लोकसभा के बारे में जितनी चर्चा है वो हम लोग अपने वीडियो में कर चुके हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस धन विधेयक को जो प्रस्तुत करता है वो मिनिस्टर होने चाहिए, वो मंत्री होने चाहिए, तभी ये धन विधेयक जो है वो सरकारी विधेयक कहलाता है। और धन विधेयक के लिए जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन है वो जब बहुत ज़रूरी है, प्रेसिडेंट जब सिफारिश करते हैं उसके बाद ही धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद ही आगे की कार्यवाही होती है। तो आई होप आपको मनी बिल के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होंगी। अब हम लोग इसी तरह आगे के सेशन में एक बिल
को उठाएंगे और उसके में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज हमारे सेशन में इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।